क्वेश्चन की ही तरह है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है d3y/dx3=0, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे 3। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन है बस, खाली हमें ऑप्शन में ही हमें क्लिक करना है ठीक, और इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जितना अगर देखिए ये क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, अगर ऐसे ही सॉल्व करने को आता है तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देंगे। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का क्वेश्चन बिल्कुल दोबारा वैसा ही आ गया भाई, उसमें ऑर्डर 4 था, इसमें ऑर्डर 3 है, तो इसको मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, और इसमें सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।